बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स ये देखें, ये प्लास्टिक का फ्रेम है और ये मेटल कमानी, लाइट गोल्डन कलर। हम इस फ्रेम में प्लस 2 एडिशन 2 वाइट केटी शीशा, वाइट केटी शीशा हम इस फ्रेम प्लास्टिक फ्रेम लगाएंगे। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। ये देखें फ्रेंड्स, अब हम ये पैटर्न पे केटी के निशान लगा लेंगे। ये इस तरीके से हम जितनी केटी हमने काटनी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे निशान ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम निशान ले लिए। अब हम ये केटी में निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमने ये केटी पे निशान लगा लिए। इस केटी पे हमने इस तरीके से निशान लगा लिए। अब हम ये जो निशान लगाए हैं हमने, अब इसके हिसाब से हमने केटी काटनी है। ये देखिए केटी काटने का तरीका है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अब ये केटी पे निशान लगाने, ये अलग से काटना है। देखिए हमने केटी काट दी। अब हम इसके ऊपर निशान लगा देंगे। ये देखिए पैटर्न इसके ऊपर रखेंगे। हमने लकीर से एक ऊपर एक लकीर लगा लेनी है, इससे हमारी जो केटी है ये टूटेगी नहीं। ये देखिए इस तरीके से हमने ऊपर इसके निशान लगा लिया। देखिए फ्रेंड्स, अब ये केटी भी हमने इस केटी के हिसाब से हमने इस केटी ये केटी काटनी है। फिर दोनों केटी हमने पीछे से काट ली है और ये इसका ऊपर रख के चेक करने का तरीका, ये देखें बिल्कुल हमारी केटी बिल्कुल बराबर कटी है। अब इसके ऊपर रखे हमने पैटर्न को जो ऊपर निशान ले लिया। फ्रेंड्स
डिफरेंस हमारा शीशे कटिंग हो गए। अब हम शीशों की रगड़ाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, ये देखें अब हम एक केटी शीशा इस प्लास्टिक में फिट करने का तरीका बताएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमने शीशे को रगड़ना। ये देखिए ये फाइन बनसान है। अब हम इस पे शीशे को रगड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शीशा ये फिट हो गया है केटी वाला। अब हम राइट वाला शीशा ऐसे ही रगड़ेंगे जैसे हमने लेफ्ट वाला रगड़ा है। फ्रेंड्स, ये फाइन बल्स ऑन है। आप इस पर रगड़ेंगे। शीशा फाइन करने का तरीका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शीशा फिट हो गया, बिल्कुल प्रॉपर फिट है, कहीं से खराब नहीं है। फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए जाओगे ना ऑफिस।